प्रेगनेंसी में अक्सर हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें बोलती हैं कि पानी खूब पियो, पानी कम से कम 8 से 12 ग्लास पियो। तो इतना ज़्यादा पानी पीने के लिए क्यों बोला जाता है? तो देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम में यूरिनरी इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन का खतरा बहुत रहता है। लेकिन जब हम पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं, तो फिर इन सब चीज़ों का खतरा जो है बहुत ही कम रहता है। तो ये एक हेल्थ के लिए अच्छी भी चीज़ हो गई। इसके अलावा बॉडी हाइड्रेटेड रहता है, बॉडी कूल रहता है, सिर दर्द नहीं होता। बहुत लोग पानी कम पीते तो उनको बहुत तेज़ सिर में दर्द होता है, या फिर हाथ और पाँव में देखेंगे आप कि उनको उनको हाथों में सूजन हो जाएगी, पाँव में सूजन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पानी का कंजम्पशन कम लेने से। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी के टाइम में अच्छे अमाउंट में पानी पिए, हाइड्रेट खुद को रखें। अगर आपको प्लेन वाटर पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप नींबू पानी पीजिए, शिकंजी पीजिए, आप नारियल पानी पी सकते हैं। लेकिन कोशिश करना है कि पानी की मात्रा हमारे बॉडी में अच्छी रहे। पानी आप अच्छे से पियेंगे ना तो जो गैस की प्रॉब्लम होती है, हर्ट बर्न वगैरह होता है, वो बहुत कम रहेगा। इसके अलावा डाइजेशन बहुत अच्छी होगी, नींद बहुत अच्छी आएगी। ये सारी चीज़ें इसके बेनिफिट हैं। इसीलिए ओवर नहीं करना है, लेकिन ध्यान देना है कि हम दिन भर में 8 से 12 ग्लास कम से कम पानी ज़रूर पिए, वॉक ज़रूर करें। और आपको अगर लगे कि नहीं पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप छाछ पी लीजिए, कोई लिक्विड डाइट ले लीजिए, आप जो भी दालें लेती हैं, दलिया लेती हैं, उसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए। कोशिश करना है कि बॉडी में हमारे पानी की मात्रा अच्छी खासी बनी रहे। तो इससे क्या होगी, अर्ली कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी और आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ रहेगी।